ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम लेते हैं कुड बी, कुड हैव और कुड हैव बीन। ठीक है, वो डॉक्टर बन सका, ही कुड बी अ डॉक्टर। ठीक है फ्रेंड, वह डॉक्टर बन सकता था, ही कुड हैव बीन डॉक्टर। ठीक है फ्रेंड, अभी कुड बी और कुड हैव बीन का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेज में करते हैं, इसके लिए भी मैंने एक अलग से क्लास बनाया हुआ है, शायद आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करना और देख लेना। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुड बी हो गया और कुड हैव बीन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है शुड मस्ट। शुड मस्ट या ought to, ये must और ought to दोनों एक ही सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो वह उसे स्कूल जाना चाहिए। He should go to school। नेगेटिव, उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए, तो ही शुड नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव, तो शुड ही गो टू स्कूल। क्वेश्चन वर्ड, उसे स्कूल कब जाना चाहिए, तो व्हेन शुड ही गो टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया हमारा शूट। अगर हम यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो मस्ट का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जब ये हिंदी में चेंजिंग आएगा कि उसे स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, उसे स्कूल ज़रूर जाना चाहिए। तब यहाँ पर हम कुछ और ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि शूट हटा कर मस्ट लगा देना है। शूट हटा दिया, यहाँ से शूट हट गया, तो शूट हटा कर यहाँ पर हम मस्ट लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड, आप मस्ट लगा सकते हो या आउट टू, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो, सब में मस्ट लगा दो, बस मस्ट मस्ट मस्ट। ठीक है फ्रेंड, मतलब उसे स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, उसे स्कूल जाना ही नहीं चाहिए या ज़रूर नहीं जाना चाहिए, क्या उसे स्कूल जाना ही चाहिए, इस तरह से सेंटेंस आएगा, तो उसको हम इस तरह से बनाएंगे। मस्ट लगा सकते हैं या यहाँ पर आउट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अभी हम लेट वाला टॉपिक लेंगे। लेट लेट लेट, उसे जाने दो, तो लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। तो इसका क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम गो, क्या मैं उसे जाने दूं। तो डू आई लेट हिम गो। ठीक है फ्रेंड, ए लेट लेट वाला है। फ्रेंड आप ये मत सोचना कि मैं इतना फास्ट बना रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, कैसे सीखेगा कोई, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ आप लोगों को,
जो मैंने बेसिक में अभी तक पढ़ा दिया है उन्हीं का सब पूरा एक एक करके रिवीजन करा रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन है ये, ठीक है, ताकि आपको फिर से याद हो जाए कि बेसिक में क्या क्या था और किस तरह की सेंटेंसेस थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लेट्स का लेंगे। लेट्स लेट्स का मतलब पता ही है, चलो चलते हैं, लेट्स गो, आओ कुछ खेले, तो इसका हो जाएगा लेट्स प्ले समथिंग। ठीक है, चलो बाजार चलते हैं, तो लेट्स गो टू मार्केट। ठीक है फ्रेंड, अभी हम डिग्री लेंगे, डिग्री डिग्री। फ्रेंड्स मेरी यही कोशिश है कि आप एक ही वीडियो में पूरा का पूरा बेसिक जो है रिवाइज कर लो, पूरी भी बेसिक आपकी रिवीजन हो जाए, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आप बस एक एक करके देखते जाना, नज़र डालते जाना कि क्या क्या था बेसिक में, वह उतना ही लंबा है जितना राम, तो ही इज एज टॉल एज राम। ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। अभी कंपैरेटिव डिग्री, वह राम से लंबा है, तो ही इज टॉलर देन राम। अभी सुपरलेटिव डिग्री, वह सबसे लंबा है, ही इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा डिग्री का क्लास, जो एक ही वीडियो में आपने देखा। भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको पूरा का पूरा बेसिक एक ही वीडियो में पता चल गया होगा कि सारे बेसिक में कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। और आपको अगर आपने पूरा वीडियो हमारा अटेंड किया होगा, पूरा क्लास अटेंड किया होगा, पूरा वीडियो देखा होगा, तो आपको ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। बस एक बार सेंटेंस सामने आता है और पता चल जाता है, याद आ जाता है कि हाँ ये इस टॉपिक का है, ये इसका फॉर्मूला ये है, इसका पहचान का नियम ये है, इसका बनाने का नियम ये है। ठीक है फ्रेंड, तो आप उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा बेसिक आपको अब समझ में आ गया होगा, और सारी चीज़ें एक ही वीडियो में, मतलब पूरा बेसिक एक ही वीडियो में डालना कोई आसान नहीं होता है, बट मैंने पूरा चीज़ आपको एक एक करके बता दिया है, और उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड भी बताया मैंने आपको साथ में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और आपको रिविज़न हो गया होगा, और आपको फिर से याद हो गया होगा, और आप इसके बाद इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके बाद हम एडवांस कोर्स शुरू करने वाले हैं, और एडवांस कोर्स में हम टेंस से शुरू करेंगे, और टेंस हम एक एक करके आपको विस्तार से टेंस के बारे में बताएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा का पूरा टेंस खत्म कर दिया, नहीं, मैं एक एक टेंस, 12 टेंस होते हैं, और एक एक टेंस को लेकर मैं उस पर दो तीन 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 चार चार वीडियो बनाऊंगा और पूरे विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप बाद में कभी भी आप बोलते वक्त आपको आपके दिमाग में जो भी सेंटेंस आए ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि यार ये कौन सा टेंस का है और ये कैसे बनेगा। पूरा एक ही टेंस में काफ़ी तरह के सेंटेंसेस आते हैं, और उसको हम विस्तार से उस पर चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप पूरा वीडियो अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं हर वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जिसका सही जवाब देने पर एक महीने में पूरा गिना जाएगा कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी जवाब दे रहे हैं, सब में से सबसे ज़्यादा सही जवाब जिसका आएगा और सबसे ज़्यादा जो हमारा वीडियो शेयर किए रहेंगे उनको मिलेगा पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।